अब हम डिस्कस करेंगे खनिज तत्वों का सामान्य कार्य क्या है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मिनरल्स। कॉमन मिनरल्स का अगर हम डिस्कस करें कि सब मिनरल्स को सम्मिलित रूप से कि इनके हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं, तो जैसे कि हमें मालूम है कि सबसे मुख्य मात्रा किसकी होती है, कैल्शियम की। और कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का संबंध किससे होता है, हड्डियां और दांतों से। तो कैल्शियम जो 4% हमारे शरीर में मिनरल्स है उसमें 2% कैल्शियम होता है, 1% फॉस्फोरस होता है। और इनका मुख्य कार्य है हड्डियों व दांतों का निर्माण तथा मजबूती। ठीक है, इससे हड्डियों का निर्माण होता है और मजबूती होती है और दांतों को भी मजबूती मिलती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इस कार्य के लिए मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है। यदि कैल्शियम और फास्फोरस को अपना कार्य सुचारू रूप से करना है तो मैग्नीशियम की बहुत अधिक आवश्यकता है, तभी ये दोनों अपना कार्य कर पाएंगे। दैट मीन्स फॉर बोन्स एंड फॉर टीथ वी रिक्वायर कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये इसका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है। दूसरा कार्य है रक्त का निर्माण करना। रक्त का निर्माण करना यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी बनता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बनते हैं और हीमोग्लोबिन बनता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया ग्लोबिन प्रोटीन के साथ आयरन मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन को बनने में सिर्फ आयरन की ही मुख्य भूमिका नहीं है, बल्कि इसके साथ दूसरे मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है। वो है कोबाल्ट चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कॉपर, देन प्रोटीन भी इसके साथ रिक्वायरमेंट है, एंड विटामिन B12 दैट इज फॉलिक एसिड। ये सब भी बहुत आवश्यक है, तभी हमारा जो हीमोग्लोबिन बन पाएगा। यानी कि फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन यू नीड आयरन, बट विथ आयरन यू नीड फॉलिक एसिड, यू नीड प्रोटीन, यू नीड कोबाल्ट, यू नीड कॉपर। ठीक है, तीसरा इसका कार्य है अब हम आगे दो मेन भागों में बांट देंगे। ये तो हमने देखे कि दो मुख्य कार्य क्या थे, हड्डियों का निर्माण, दांतों का निर्माण और हीमोग्लोबिन। और अगर हम ये देखें कि अगर हम अपने डाइट में दूध, दूध के बने प्रोडक्ट, दालें, अनाज, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारी मिनरल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यानी कि बोथ मेजर एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स, ऑल द मिनरल रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। तो वी हैव टू सी आवर डाइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो है दो मुख्य भाग होते हैं, जो कार्यों को हम दो मुख्यों में बांट सकते हैं। पहला है शरीर का निर्माण का कार्य। शरीर के निर्माण की कार्य करें तो वो है हड्डियों व दांतों का निर्माण करना, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। देन सेकेंड है हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए मैंने बोला कि आयरन की आवश्यकता होती है, उसके अलावा तांबा, कोबाल्ट, प्रोटीन एंड विटामिन B12, ये सब इसको जरूरी है। तीसरा इसका जो कार्य है वो है थायरोक्सिन का निर्माण। थायरोक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे शरीर में एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनमें एक ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है जिसको कि हम बोलते हैं अवटोग्रंथी जो आपको गले में दिखाई देती है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनता है और वो किससे बनता है, आयोडीन से। तो आयोडीन जो होता है एक प्रकार का मिनरल है, हमने डिस्कस किया है, उससे थायरोक्सिन जो होता है उसका निर्माण होता है। दैट मीन्स आयोडीन इज वेरी एसेंशियल। यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थायरोक्सिन उचित मात्रा में नहीं बनेगा और बहुत सी रोग शरीर में हो जाएंगे, जिसका हम मुख्य देखें कि बचपन में अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चा बोना पैदा होता है। इसके अलावा शारीरिक ग्रोथ पूरी तरह से बड़ों में नहीं होती और इसके और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमें मुख्य देखना है कि इससे शरीर की वृद्धि के ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो आयोडीन इज वेरी एसेंशियल, इसका जो मेन जो फंक्शन है वो है हमारे शरीर का निर्माण करना। तीसरा इसका कार्य है शरीर के कोमल तंतुओं का निर्माण। हमारे शरीर में जो उत्तक है, मांसपेशियां हैं, इन तंतुओं का निर्माण के लिए हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और जिसमें हम देखें तो फॉस्फोरस एंड सल्फर, दीज टू मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस हमारे शरीर में मांसपेशी तंत्रों का और यकृत का निर्माण करता है। इट्स वेरी एसेंशियल हमारे लिवर के डेवलपमेंट के लिए और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए हमें फॉस्फोरस चाहिए। वही अगर हम सल्फर की बात करें तो वो प्रोटीन के साथ मिल करके
प्रोटीन कोश का निर्माण करता है। तो हमारे मांसपेशियों के निर्माण के लिए सल्फर एंड फॉस्फोरस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने देखे कि कुछ हमारे शरीर के निर्माण कार्य जो होते हैं वो मिनरल्स से होते हैं। अब हम देखें नियंत्रण कार्य, तो दिस टू कंट्रोल, हमारे शरीर में कंट्रोल भी करता है ये मिनरल्स। तो उसमें सबसे पहला इसका कार्य है हमारे शरीर में कैल्शियम को रक्त में जमने में सहायक है। जो कैल्शियम जो है वो रक्त के जमने में सहायक है। What does this mean? कि हमारे शरीर में जब चोट लगती है, जब रक्तस्राव होता है, तो हम देखते हैं कि थोड़े देर में प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में बन के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बनाता है, यानी एक तंतुओं का जाल बन जाता है और वहां पे रक्त का थक्का बन जाता है। तो वो रक्त को थक्का बनने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे शरीर में रक्त को जमने में, जब चोट लगती है तो रक्त जमने में कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ है। फिर सेकंड इसका कार्य है नाड़ियों में संवेदन को नियंत्रित करता है। हमारी जो नर्व्स होती हैं उनकी जो सेंसेशन है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि कुछ मिनरल्स की कमी से हमारे नर्व्स की बीमारी हो सकती है। ये मिनरल्स हैं, हम कह सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये जो होते हैं एंड फॉस्फोरस, दीज आर नेसेसरी फॉर आर नर्व्स। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ मिनरल्स जो है हमारे नाड़ियों पे इफेक्ट करते हैं। देन मांसपेशियों के संकुचन की क्रिया, जो मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, और वो मिनरल्स हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड सोडियम। दे आर रिक्वायर्ड फॉर योर मसल्स, मस्कुलर ग्रोथ। देन सोडियम एंड क्लोरीन एंड पोटेशियम, ये जो होते हैं सोडियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम, ये हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखते हैं। दैट इज दे कीप द बैलेंस ऑफ वाटर इन अ बॉडी। ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट कार्य है मिनरल्स का, ये हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखते हैं। हृदय के सामान्य धड़कन को नियंत्रित करते हैं। हमारी जो हार्ट बीट होती है नॉर्मल हार्ट बीट, दैट इज 70 to 75 per minute, उसको रेगुलेट करने का कार्य भी मिनरल्स का होता है। देन पाचक रसों को उत्तेजित करते हैं, मतलब हमारे शरीर में जो पाचक रस होते हैं दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस हो गया एंड अदर जूसेस, जो कि इंटेस्टाइनल जूस हो गया, क्लोन रस हो गया, ये जो पाचक रस होते हैं इनको उत्तेजित करना ताकि जब फूड वहाँ पे आए तो उनको पूरी तरह से डाइजेस्ट करें, ये कार्य भी मिनरल्स करते हैं। देन सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये हमारे शरीर में घुलनशील अवस्था में रहते हैं। हमारे शरीर में ये जो होते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म रहते हैं और हमारी कोशिकाओं तथा तरल पदार्थों को उत्तेजित करते हैं, जिससे पौष्टिक तत्व शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा सके, यानी कि ये हमारे चयापचय को नियंत्रित करते हैं। दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ आर बॉडी। इसका कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जब पौष्टिक तत्व आते हैं तो उनको हर कोशिका तक पहुँचाना उत्तेजित करते हैं, ताकि ये जो पदार्थ है, पोषक तत्व है, ये शरीर की हर कोशिका तक पहुंचे और हमारे शरीर में भोजन का डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, और ये पोषक तत्व क्या होगा, इनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, टूट फूट होगी, यानी कि एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक बोथ द एक्टिविटीज आर डन विद द हेल्प ऑफ दिस मिनरल्स। यानी कि मेटाबॉलिक जो कार्य है हमारे शरीर में, चयापचय की जो क्रिया होती है, उसके लिए मिनरल्स की बहुत बड़ी हमें शरीर में आवश्यकता होती है। अब हम देखें तो इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है ये हमें कहाँ से होती है, जैसे मैंने कहा कि हमें अगर हम दूध से बने प्रोडक्ट खाते हैं, अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इन सबसे इनकी पूरी हो जाती है। लेकिन जो ये मिनरल्स हैं, जो ये सब्जियों को, भोज पदार्थों को से हमें मिलते हैं, ये हम उन्हें भोज पदार्थों से कितनी मात्रा में प्राप्त होते हैं ये डिपेंड करता है कि ये जो किस मिट्टी में उगाए गए हैं। वो जो आप दालें खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, जहाँ पे उनकी खेती गई है, की गई है, उस मिट्टी में कितने मिनरल्स हैं वो रिक्वायरमेंट हम उस पर डिपेंड करेगी। यानी कि उस मिट्टी में जितने मिनरल्स ज़्यादा होंगे उतने ही भोज्य पदार्थों में मिनरल्स ज़्यादा होंगे और हमारे शरीर में इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। यानी कि ये उस मिट्टी में वो जो वहाँ पे जो जल आ रहा है, वहाँ की जो भूमि है, वहाँ पे जो खाद है, उस सब पर मिनरल की जो मात्रा है निर्भर करती है। तो जितना अगर हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं खेती करते समय, यदि खाद अच्छी होती है, जल अच्छा यूज़ किया जाता है जिनमें मिनरल्स हैं, तो वो भोज्य पदार्थों में भी उतने मिनरल्स आएंगे और हमारे शरीर में इनकी कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज देखा बेसिक नॉलेज ऑफ
टोटल मिनरल्स, मिनरल्स को हमने कम्प्लीटली देखा कि मिनरल्स जो होते हैं उनके क्या मतलब फंक्शन है हमारे शरीर में, कितने प्रकार के होते हैं। तीन मेन हमने ग्रुप्स में बांटा है, मेजर, ट्रेस एंड अदर। एंड अदर में हम ये कह रहे हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि आपके मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो अदर मिनरल्स अपने आप पूरे हो जाते हैं। और हमारे शरीर का 4% भाग जो होता है मिनरल्स होता है, जिसमें 2% कार्बन एंड 1% फॉस्फरस, और बाकी जो 1% बचता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें बहुत अल्प मात्रा में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन द इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ आवर बॉडी इन डिटेल। हम एक एक करके हर मिनरल को जो हमारे मुख्य है, जिनकी हमें ज्यादा शरीर में जरूरत है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके एक एक के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में स्टडी। Thank you.